Hey, today we'll learn the new topic known as capacitance. मतलब ये chapter थोड़ा सा मतलब resistance जैसा, जैसे आप equivalent resistance calculate करते हैं, वैसे इसमें equivalent resistance भी calculate करते हैं, but लेकिन ये इस resistance के अलावा ये थोड़ा broad and wide topic है, तो इसको हम start करते हैं. What is basically capacitance? ठीक है, capacitance को समझते हैं. जैसे हमने घर में टैंक रखा हुआ है पानी का स्टोर करने के लिए, जब हमारी टैंकी में हमें, जैसे हमें घर में पानी की ज़रूरत है, तो हम उसको टैंकी को मोटर से पानी फिल कर देते हैं और टैंकी में पानी भर देता है. ठीक है, बेसिकली वैसे ही अगर हमने किसी जगह चार्ज को स्टोर करना है, जैसे वाटर को स्टोर किया तो टैंक है. ठीक है, ऐसे ही हमने अगर चार्ज को स्टोर करना है तो चार्ज को स्टोर करना है जहाँ भी स्टोर करना है कंडक्टर में, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस. ठीक है, मतलब ये कैपेसिटेंस क्या है, बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ कंडक्टर स्टोर चार्ज इन. मतलब कोई भी कंडक्टर अपने अंदर चार्ज अगर स्टोर कर लेता है तो उसको हम कैपेसिटर कह देते हैं. इज इट ओके? मतलब वो कुछ भी हो, मतलब कोई भी कंडक्टर है, तो वो अगर उसको चार्ज देते हैं तो कुछ समय तक चार्ज लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा. अगर आप उसको ज़्यादा चार्ज दे दोगे तो वो चार्ज लीक करना शुरू कर देगा, एटमोसफेयर में चार्ज आयोनाइज करने लग जाएगा एयर को. यानी तब मैक्सिमम एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब तक वो कैपेसिटेंस ले सकता है. मतलब ये नहीं आप किसी भी चीज़ को चार्ज दे जाएंगे तो वो चार्ज ले जाएगा. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो दो तीन टर्म्स आगे आएंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह, वो आगे चलेंगे. बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, वैसे की डेफिनेशन क्या है. कैपेसिटेंस कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वो सिंगल कंडक्टर भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी हो सकते हैं. जैसे आपने इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना, जिसमें दो प्लेट्स चार्ज स्टोर करेंगी, तो ऐसे ही सिंगल कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकता है. मतलब कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर. चलो देखते हैं होता क्या है. मैंने सपोज ये कंडक्टर मान लिया, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से चार्ज दिया. अगर चार्ज दिया, पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था तो इसने आराम से चार्ज ले लिया. मैंने सपोज मान लिया इसको चार्ज क्यू में दिया, अभी मैंने और चार्ज डी क्यू दिया, अभी ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये जब इसको चार्ज देंगे तो ये लेना पसंद करेगा क्या, नहीं पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा. ये कहेगा भी नया, ये कहेगा तो दूर भाग, मेरे पास मत था. ठीक है, तो लेकिन आप फोर्सफुली धक्का देंगे, धक्का देने के कारण आप इसके अंदर चार्ज इंजेक्ट करेंगे. यानी यू हैव टू डू वर्क डन, यू हैव टू डू वर्क डन टू गिव अ चार्ज डी क्यू टू दिस चार्ज क्यू. यानी मेरा कहने का मतलब वर्क डन, अभी डी क्यू लगा, अभी ये डी क्यू भी इधर ऐड हो गया, अभी मैंने माना और डी क्यू देना है. तो एक बात बताओ, वर्क डन पहले से ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना जितना इस पर चार्ज आई जाएगा उतना उतना बाहर से अगर कोई चार्ज देंगे तो ये लेना पसंद नहीं करेगा, उसको रिपेल ज़्यादा करेगा. यानी कहने का मतलब है वर्क डन ज़्यादा लगने लगेगा. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब कहने का मतलब है जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ी जाएगा उतना ही हमें अगर नया चार्ज इसमें देना है उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. यानी इसका पोटेंशियल चार्ज के कारण बढ़ रहा है. वैसे भी आपको मान लो पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि भैया अगर मैं कहूँ अगर किसी का चार्ज बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा. यानी मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे इस बॉडी को चार्ज दोगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा. यानी कि मैं कह सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V. ठीक है, जैसे जैसे बॉडी को चार्ज दी जाएंगे उस चार्ज के कारण उस बॉडी का पोटेंशियल राइज 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 हो जाएगा. अगर पोटेंशियल राइज हो जाएगा यानी मैं कह सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज नोन एज कैपेसिटेंस. C इज नोन एज कैपेसिटेंस. दिस इज अ कांस्टेंट. कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है जो कि अपने डायमेंशन पे ही डिपेंड करता है. एक जो कंडक्टर है उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप हमारा साइज यानी डायमेंशंस कह सकते हैं, और इन मीडियम इन विच द कंडक्टर प्लेस, जिस मीडियम में कंडक्टर को प्लेस किया है उस पर डिपेंड करता है. एंड नॉट डिपेंडेड इस पे ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर. ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर चाहे कॉपर है चाहे स्टील है उसको कोई फर्क नहीं है. यानी जो कैपेसिटेंस है वो नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता. अभी ये पूछें तो इनका ग्राफ बनाए हैं, तो देखो क्यू डायरेक्टली को
प्रोपोर्शनल टू वी है तो उसका क्या होता है, वी बनेगा, वो तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट ना क्यू पे डिपेंड करता ना वी पे, यानी मैं सी को कांस्टेंट रखूंगा चाहे मैं क्यू डाल दूं चाहे वी डाल। ठीक है, मतलब चार्ज और पोटेंशियल के हिसाब से कैपेसिटेंस वेरी नहीं करता, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हाँ बट लेकिन ये अभी ये ग्राफ ठीक है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ये ठीक है, तो इनका जो स्लोप है, मतलब इसका जो स्लोप है यानी थीटा है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा कैपेसिटेंस के बराबर, क्योंकि सी आ जाएगा क्यू बाई वी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट वन कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड में होती है, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैरड, फैरड में यूनिट लिखी जाती है इसकी, लेकिन फैरड भी पॉसिबल नहीं है तो जनरली हम माइक्रो फैरड ही यूज करते हैं यूनिट। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैरड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अभी हम आइसोलेटेड स्फीयर का कंडक्टर का हम पोटेंशियल से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। मैंने मान लिया एक बॉडी है जिसका चार्ज, इसका क्यू है चार्ज, इसका रेडियस आर है, यानी मैं कह सकता हूँ ये एक स्फेरिकल आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड मतलब अकेली बैठी है और कोई नहीं है, स्फेरिकल आइसोलेटेड बॉडी है, तो इसका पोटेंशियल सरफेस से कितना होगा, वी इज इक्वल टू कितना, के क्यू बाई आर, के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू बाई आर। देन हमें मालूम है क्यू इक्वल टू कितना होता है, सी वी, यानी हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमने Q इधर रहने दिया 4πε0R इंटू V डाल लिया, ये समझ में आ गया, ये सबका सब इधर लगे, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू सी वी, यानी C की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू ऑफ C इज 4πε0R, यानी मैं कह सकता हूँ C इज इक्वल टू 4πε0R, इज इट ओके। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड बॉडी इज 4πε0R, यानी इससे ये भी पता लगता है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब मोर इज द साइज ऑफ द कंडक्टर मोर इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर, मींस ये हमें कंक्लूजन आ गया, कोई सिंपल है कि इक्वल टू सी वी लगाया, कुछ नहीं किया, वी इक्वल टू हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तो ये क्रॉस कर लिया सिर्फ सब, तो क्यू ये है, वी ये है, जो कॉमन जो बचा वो सी इक्वल टू 4πε0R आ गया, यानी सी इज प्रोपोर्शन टू आर आ गया। चलो इसको आगे देखते हैं, अभी सी प्रोपोर्शन टू आर है, यानी इसका ग्राफ है तो वो भी आपको पता लगे, अभी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देखो, सपोज किसी ने कह दिया अभी कैपेसिटेंस 1F है, मान ली मैंने गिवन है कैपेसिटेंस 1F, तो उसका रेडियस पॉइंट भी है, ओके सी इज 1 4π0 इंटू आर फाइंड करना है, यानी आर कितना हो गया 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10^9, यानी रेडियस आ गया 9 × 10^9 मीटर, तो भाई ये तो रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ा है, रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ा है, यानी 1F कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका रेडियस तो अर्थ से भी बड़ा चाहिए, अगर हमने उसकी कैपेसिटेंस को 1F बोलना है तो उसका रेडियस को अर्थ के रेडियस से भी बड़ा है, जो कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है, तो करके इसको माइक्रो में ही लेते हैं, माइक्रो फेरेड ही यूज करते हैं, इज इट ओके। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा लेक्चर आज फास्ट करूँगा। देन टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके नोट्स सेंड कर दूंगा आपको प्रीवियस ईयर पे कहीं से लेके, ठीक है नोट्स बना लेना, तो जस्ट मैं अभी तो इसको आपको समझाऊंगा ही भाई प्रिंसिपल क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो देखते हैं, सपोज मैंने मान लिया एक हमने प्लेट कंसीडर कर ली, ठीक है एक प्लेट कंसीडर कर ली, इस प्लेट का नाम रख लिया ए, इस प्लेट का नाम रख लिया ए, अभी हमने क्या किया इस प्लेट को चार्ज दिया पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है अभी जैसे इसको चार्ज हो गया तो इसके बाद यहाँ से फिर और चार्ज हो गए तो ये चार्ज लेना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई हो रहा, लेकिन फिर भी आपने मान लिया आपने इसको चार्ज दे दिया अगेंस्ट इसके पोटेंशियल के, तो इसका पोटेंशियल और बढ़ गया, ऐसे चार्ज दे जाएंगे इसका चार्ज बढ़ जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा जितना चार्ज देंगे उतना ही चार्ज ये लीक करना शुरू कर देगा, क्या करना शुरू कर देगा,
लीक करना शुरू कर देगा। इसका एक मेथड है कैसे ये चार्ज लीक करेगा, अभी इसको नहीं मैं बता रहा, बस आप ऐसे सोच लीजिए अभी भी चार्ज लीक कर रहा है, कैसे करेगा बताऊंगा, ठीक है। वो कोरोना डिस्चार्ज है, टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। अभी आपको डिस्चार्ज भी वहां से करता है जो पॉइंटेड एंड होते हैं, यानी यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, जितने पॉइंटेड एंड होंगे ना वहां से चार्ज लीक करना शुरू कर देगा। अगर ये मैक्सिमम चार्ज इतना ले सकता है उतना इसे ले लिया, उससे ज्यादा ये चार्ज लेने वाला नहीं है, यानी मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर। अभी क्या किया, पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। अभी आपने क्या किया, एक न्यूट्रल प्लेट भी, ये न्यूट्रल प्लेट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसके साथ ला के रख दी। अभी साथ ला के रख दी, आइडेंटिकल प्लेट भी ला के रखते हैं, तो इस साइड माइनस चार्ज आ गया और इस साइड प्लस आ गया, ये तो मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव काम इस साइड नेगेटिव और उस साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ देखें, अगर यहां से हमने कोई चार्ज डीक्यू यहां देना है तो ये तो उतना ही रिपेल कर रहा है जितना पहले कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये माइनस इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। लेकिन ये जो माइनस है ये थोड़ा इससे नजदीक है, ये प्लस थोड़ा दूर है, ये माइनस थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये तो वैसे का वैसे ही है, वो उतना ही काम कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ अब पहले से वर्कडन कम लगेगा, ये डीक्यू थोड़ा इजी जाएगा। सर इजी क्यों जाएगा, सर ये तो रिपेल कर रहा है, बेटा ये तो सपोज अभी भी रिपल्शन उतनी दे रहा है जितनी पहले दे रहा है, लेकिन ये अट्रैक्शन दे रहा है और इसकी रिपल्शन इसकी अट्रैक्शन से कम है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा दे रहा है, ये रिपल्शन कम दे रहा है, ये तो उतना ही दे रहा है, यानी नेट अब पहले से इसकी फोर्स और रिपल्शन कम होगी। यानी मैं कह सकता हूँ इसका पोटेंशियल थोड़ा गिर गया प्लेट एक का, जिसके कारण ये थोड़ा सा चार्ज और ले लेगा, ठीक है। अभी चार्ज ले लिया, लेकिन कितनी देर ले लेगा, क्योंकि पोटेंशियल का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं क्रिएट होता, और मैं कह सकता हूँ इतना ज्यादा वो चार्ज खींच नहीं सकता, यानी थोड़ी देर तक ये चार्ज और रिक्वायर कर लेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल फॉल हो जाएगा। लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करना, तो फिर इसका क्या मेथड है, फिर क्या करेंगे, इस प्लेट को हम ग्राउंड कर देंगे। अभी ग्राउंड करने से सर क्या होगा, ग्राउंड करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को तो पकड़ा ही हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव ने नेगेटिव को तो पकड़ा ही हुआ है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस पॉजिटिव को ग्राउंड में भेजेगा। यानी पॉजिटिव फेस को ग्राउंड करने से क्या फायदा हुआ, ये सारा का सारा पॉजिटिव एंड खत्म ही हो गया, ये सब ग्राउंड में चल गया। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव, ठीक है। अभी जितना प्लस इस पे रहा, जितना चार्ज पॉजिटिव इस पे रहा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, मैं कह सकता हूँ, यानी दोनों पर जो चार्जेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनी, ठीक है। अभी सोचने वाली बात ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जनरेट होगी, तो अभी इस नेगेटिव प्लेट आने के कारण अगर मैं डीक्यू चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊँ, अब तो बड़ा इजीली लेके आ जाएगा ना, क्योंकि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है इस नेगेटिव चार्ज ने बहुत कम कर दिया, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के एग्जिस्टेंस के कारण अब बड़े आराम से ये चार्ज है, अब ये चार्ज ले भी रहा है तो भी ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ये डीक्यू चार्ज को खींच लेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है भी इस सिस्टम की कैपेसिटेंस और बढ़ गई, यानी इसने चार्ज और ज़्यादा एक्वायर कर लिया, ठीक है। मतलब जितना सिंगल प्लेट, पहले देखो ये पहले डायग्राम ऐसे बनते हैं, सबसे पहले बनती है सिंगल प्लेट, उसको चार्ज देते हैं, उसको कहते हैं भाई आप ये और ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकती, अब ये चार्ज लीक करेगी। दूसरा फिर आप न्यूट्रल प्लेट ला के रखेंगे सेकेंड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव, अब कहेंगे नेगेटिव चार्ज नियर होने के कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया, इसमें थोड़ा सा चार्ज और ले लिया। फिर क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड के कारण इस प्लेट पर पूरा चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस प्लेट का कैपेसिटेंस और फॉल हो जाएगा, जिसके कारण ये और चार्ज ले लेगा, यानी हमने कैपेसिटेंस राइज कर दी। अभी और एक प्लेट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, और ये माना जाता है कैपेसिटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कैपेसिटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन इसको यूनिफॉर्म फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मानते हैं। और ये भी माना जाता है ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों में गैप बहुत कम है और इनका साइज बहुत बड़ा है, यानी इनको एक तरीके से इनफिनाइट प्लेट माना जाता है, ठीक है। इन प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है वो सिर्फ वन साइड पे है, जैसे इसका चार्ज पॉजिटिव यहाँ है, इसका चार्ज नेगेटिव यहाँ है, यानी मैं कह सकता हूँ है तो ये प्लेट है लेकिन इसका चार्ज सिंगल साइड लाई करता है, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट बिहेव्स लाइक अ शीट, इट बिहेव्स लाइक अ शीट, क्योंकि चार्ज अगर प्लेट होती है तो दोनों तरफ चार्ज माना जाता है, शीट में सिर्फ माना जाता है एक ही चार्ज दोनों साइड अपीयर होता है, लेकिन ये प्लेट है लेकिन इसका जो चार्ज है वो सिंगल साइड ही है, यानी मैं कह सकता हूँ ये एक शीट की तरह चलता है। यानी अभी शीट के कारण इन्फिनाइट शीट होगी तो उसके कारण
इस इधर को क्यू नॉट रखूंगा तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके कारण इधर खींचेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी इसको इधर खींचेगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू नॉट पे वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन है वो दिस साइड। देखो ना यार टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव है तो इधर रखोगे तो भी इधर जाएगा, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, ये नेगेटिव है नेगेटिव भी प्लस को इधर खींचेगा, यानी इसकी भी सिग्मा बाई टू की दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन प्लस सिग्मा इस पे क्या माइनस सिग्मा, यानी मैं कह सकता हूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का एडिशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट इज नोन एज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट पे सर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इसमें ना बड़े सारे क्वेश्चन वाइज हो जाते हैं, जब ये टॉपिक जाता है तो बच्चा बहुत कुछ सोचता है, जैसे पहली बात वो सोचता है सर ने बोला चार्ज लीक हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो भी टॉपिक कवर होगा, ठीक है। दूसरी चीज वो सोचता है सर इसके अंदर ही पॉजिटिव नहीं है बाहर क्यों नहीं पॉजिटिव, ठीक है, बच्चा सोच लेता है अभी सर इसके अंदर इस साइड चार्ज क्यों नहीं है, इस साइड ही क्यों चार्ज है, इसके बाहर चार्ज क्यों नहीं है, इसके अंदर चार्ज क्यों है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में ये डाउट है इस टॉपिक के लेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए थोड़ा हम रफ्तार से चलते हैं, जो स्कूल में पूछा जाना है उसके हिसाब से आगे करते हैं, ठीक है। देखो आपने उससे डाउट भी पूछे, मैंने बताया ये सारे डाउट होंगे आपको, ठीक है, इस डाउट को क्लैरिफाई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी मैं थोड़ी स्पीड बनानी है, मैंने थोड़ा सा सिलेबस, कई स्कूलों का फ्राइडे को टेस्ट है मैंने सुना है, तो उसके हिसाब से अपन चलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने दे दिया इसका ना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस का आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सबको, उससे देख के कर लेना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, हाउ वी कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बड़ा सिंपल है, पहले आप लोग कैपेसिटर बनाएंगे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज बना देंगे, ठीक है, इसको यूं कर देंगे, ये ऑलवेज ग्राउंडेड होता है, नहीं भी ग्राउंड करोगे तो टीचर मानेगा कि नेगेटिव प्लेट ग्राउंड है, ठीक है, और टीचर आप ही मान लेगा, नहीं करोगे तो भी मान लेगा ग्राउंडेड है। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर ये पुराना रिजल्ट है जो यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस का साइन मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह जा रही है तो उसका पोटेंशियल कम हो रहा है, ये तो ग्राउंड है, इसका पोटेंशियल जीरो, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, तो करके नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल के बारे में ज्यादा बोला ही नहीं जाता क्योंकि उसका पोटेंशियल ग्राउंड से अटैच है, यानी उसका पोटेंशियल जीरो है, देखो उसका चार्ज है फिर भी उसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि वो ग्राउंडेड है, इज इट ओके। नाउ इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो अभी मैंने माना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ माइनस साइन निगलेक्ट किया क्यों, क्योंकि वो आगे इसके कारण है डायरेक्शन के कारण, जब वाट में डालो जब मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड लिख दो इसको इन मैग्नीट्यूड, तो अभी ई यूनिफॉर्म है, अगर ई यूनिफॉर्म है तो डी वी बाई डी आर को आप सिर्फ वी बाई आर, जहाँ मैंने इस डिस्टेंस को आर की जगह डी मान लिया तो मैं इसको वी बाई डी लिख सकता हूँ, डी वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, वी माइनस जीरो, डी आर इज द डिस्टेंस दैट इज डी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डी बाई डी आर की जगह हमने ई इक्वल टू वी बाई डी डाल लिया, तो ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा तो हम इसको वेल करके याद करेंगे वी इज इक्वल टू पी डी, ठीक है, इसको ऐसे याद करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विच इज यूनिफॉर्म इन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इसका कोई और मेथड नहीं है, इसको और किसी मेथड से नहीं किया जाता, E इक्वल टू डी वी बाई डी आर भी प्रूव इसमें नहीं किया जाता, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल से पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट से ही लिया है, ठीक है, ये अगर मुझसे पूछोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला वहीं से लिया है, इसको और कोई ड्राइव नहीं किया जाता, ठीक है। अभी आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द प्लेट, इधर भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द, अभी इससे प्रीवियस टॉपिक में किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी वी को क्या लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी एक बात तो सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या क्या होता है, चार्ज कौन एरिया, एरिया ये प्लेट का एरिया, यानी अगर मैं इस प्लेट में यू बना रहा हूँ तो इसका प्लेट यू होती है, ठीक है, अगर साइड से देखो एरिया ऐसे है, मैंने सिर्फ यू करनी है आपको ये लाइन शो की है, इसका एरिया ये है, ठीक है, दिस वन इज वी, देन क्यू इक्वल टू, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्यू एक साइड रख लो, क्यू इधर रख लो, ये आगे ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए, डी आगे नीचे और वी आगे साइड में, यानी इसको क्रॉस करोगे तो ये आएगा,
एस क्यू इक्वल टू कितना होता है सी बी, अब इन दोनों करोगे कंपेयर करोगे तो सी कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यानी मैं कह सकता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यानी जो फाइनल रिजल्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो आपको याद होना चाहिए सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू। अभी मैंने माना था कि इधर वैक्यूम है, दोनों प्लेट के बीच में कौन है वैक्यूम है, अभी कोई मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आ रहा है डिप कर देंगे तो आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आ रहा तो सिस्टर होती है, यानी तब क्या लिखोगे एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी, यानी एप्सिलॉन आर जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको तो आपने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना ना, यानी हमने कोई मीडियम डाल दिया तो उसकी कैपेसिटेंस सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी आ गया। यानी सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद हो वी जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है चलो अगला आर्टिकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आर्टिकल मैक्सिमम आस्क जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनरली पूछा जाता है। ठीक है चलो देखो मैंने माना सपोज ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली डायरेक्टली स्लैब इज पार्शियली इंसर्टेड, पार्शियली जगह इंसर्टेड लिख दो इंसर्टेड, मतलब मैंने मान लिया कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन और डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted in, तो हमने उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो मैंने अभी मान सकता हूँ जो डायलैक्ट्रिक स्लैब है वो फुली मर्ज नहीं है क्योंकि फुली मर्ज का तो हमारे पास रिजल्ट है, मैंने मान लिया ये एक डायलैक्ट्रिक स्लैब है, इज इट ओके। डायलैक्ट्रिक स्लैब होने के कारण ये पहले प्लेट पॉजिटिव थी ये वाली प्लेट और ये नेगेटिव थी, अभी बाहर पॉजिटिव डाला इसका मतलब ये नहीं कि बाहर पॉजिटिव है अंदर ही पॉजिटिव है, ठीक है अब इसको मत करना ठीक है। चलो यार बना देता हूँ फिर तुम मुझे तंग करोगे, सर आपने तो बाहर बना दिया। ओके नाउ डायलैक्ट्रिक होने के कारण इसने क्या किया चार इंडियस कर लिए, यहाँ पर पॉजिटिव कारण क्या इंडियस कर लिया नेगेटिव, नेगेटिव कारण क्या है इंडियस कर लिया पॉजिटिव, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है वैक्यूम, अगर मैं बाहर की तरफ ये ई नॉट है ये पॉजिटिव से नहीं कि ये इंड्यूस्ड है जो इसमें इंड्यूस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। चलो ये कंसेप्ट तो आपको पहले ही मालूम है ठीक है, मैंने मान लिया दोनों स्लैब के दोनों प्लेट का डिस्टेंस है डी और जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो है डी ठीक है, अब ये तो पक्का है ना इन साइड में तो वैक्यूम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर वैक्यूम वाली भी नहीं है इंड्यूस्ड वाली भी नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई नेट है, ई नेट को मैंने मान लिया ई है ठीक है, इधर ई नॉट है इधर ई नॉट है और इधर ई है, ये चीज समझ में आ गई। E not means electric field in vacuum, ये epsilon not नहीं है इसको गलत मत करना, this is E not ठीक है, गलत कर देते हैं नोट्स जाके इसको epsilon बना लेते हैं इसका, ये electric field का सिंबल है E ठीक है। नौ एक बार बताओ potential scalar है तो potential का हमें formula V याद रखना है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक वेट लगाना है, चलो V अभी सबसे पहले इसकी electric field E है और इसका distance T है, इसमें वेट लगा दिया इसका अंदर का काम खत्म हो गया प्लस इसका और इसका रह गया, इसका कितना है E नॉट है और इसका भी E नॉट है, ये टोटल D है इसमें से T माइनस किया तो ये दोनों लेंथ आ जाएंगे यानी E नॉट इन टू डी माइनस टी, ये समझ में आना चाहिए आपको ये कैसे किया है, वेद लगाया है वेद लगाया एक तो E नॉट जो E नॉट है उसका डिस्टेंस है T माइनस टी, डी में से T माइनस करोगे ये दोनों इंक्लूड हो गए यानी उसकी उसका पोटेंशियल आ गया, इसका निकाला तो V इक्वल टू ET निकाला तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड D है और ये डिस्टेंस T है। अभी हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है, सर ये तो किया ही नहीं कभी बताया ही नहीं सर आपने, अच्छा एक बात बताओ एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम क्या होता है, सर वो तो आपने बताया था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक ही बात है उसको के से डिनोट कर देते हैं, किसे डिनोट करते हैं ये के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये के एप्सिलॉन आर है जहाँ मुझसे यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिखवा लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, समझ में आया
अगर मैं एप्सिलॉन लिखता हूँ फिर चक्कर पड़ जाता है, आपने एप्सिलॉन आपकी आता ही उड़ा देना ही, जैसे एप्सिलॉन हमेशा ही गोल घुमा के हड्डी खींचते हैं, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक बात है, फोर्स वैक्यूम और फोर्स मीडियम हो चाहे ई वैक्यूम हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम हो एक ही बात है, उसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बराबर करते हैं, यानी ये के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अभी सपोज देयरफॉर ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई ई नॉट वाई, इज दैट ओके। चलो आगे देखते हैं, चलो यहां तक हो गया। अब पहली क्वेश्चन में लिखते हैं v इक्वल टू et, e की जगह कितना e नॉट बाय k इंटू t प्लस प्लस e नॉट d माइनस t, ये समझ में आ गया, मुझे लगता है क्लियर है। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, e नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, अभी कुछ नहीं करना आप, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लीजिए, e नॉट कॉमन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर आ गया t बाय k प्लस डी माइनस टी। अभी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इनसाइड में कैपेसिटर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहला स्टेप ये है, वेद लगाया, फिर ई वैक्यूम पर ई मीडियम के लिखा है, फिर ई मीडियम निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अभी मुझे जगह चाहिए, मैं इधर आ रहा हूँ करके, ठीक है। अभी यानी ये कितना हो गया, ई नॉट की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैक्यूम में होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार करके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का कैपेसिटेंस वैक्यूम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी डालेंगे v इक्वल टू इधर से e नॉट की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, e नॉट की वैल्यू खत्म हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सारा आ गया, फिर कितना आया t बाय k प्लस d माइनस t, यानी q इक्वल टू q इधर को सब इधर ले जाओ एप्सिलॉन नॉट a, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आप भी करके देखो, d माइनस टी इंटू वी, क्यू इक्वल टू कितना होता है सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, यानी ये सबका सब सी है, देयरफॉर हम सी कह सकते हैं सी इक्वल टू पार्शली स्लैब जो हम डाला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टेक डाइट, याद कर लेना सर ने ऐसे याद किया, टेक डाइट का डाइट नेगेटिव है बाकी सबका सर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन टेक डाइट, सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डायलेक्ट्रिक स्लैब इज होमोजेनियस, मतलब आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब उसमें डाली है तो उसका आंसर ही देगी, ठीक है। चलो मुझे लगता है क्लियर है, आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें ऐसे है, अभी अगर टी डी के बराबर हो जाए, पूरी की पूरी स्लैब डाल दें, टी और डी बराबर हो जाएगा, तो टी माइनस डी करेंगे तो टी को भी डी ले लो, डी माइनस डी जीरो हो गया, तो यहाँ पर डी रह गया के ऊपर आ गया, तो अगर पूरी पूरी भर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी फुली कंप्लीट एप्सिलॉन नॉट ए, ये के ऊपर आ जाएगा बाय डी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, डी डी बराबर हो गया टी, अगर ये पूरी इधर हो जाए तो ये डी रह गया के ऊपर चल गया, के एप्सिलॉन आ गया होता यानी वही आ गया एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन इनटू ए, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है ना कैपेसिटेंस का, अगर आपने स्लैब नहीं डाली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इससे जो प्रीवियस डेरिवेशन थी, अगर पूरी की पूरी फिल करोगे तो एप्सिलॉन पूरा डालोगे, पूरा फिल नहीं है तो फिर आपको हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड में जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी टाइट का लगाना पड़ेगा, टी बाई के प्लस डी माइनस, ठीक है। तो ये भी हो गया, अभी इसके बाद अगर यही टॉपिक कैसे आ जाए, डायलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, कौन सी स्लैब डाल दें कंडक्टिंग स्लैब, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही जीरो है, यहाँ पर ई नॉट रहेगी बस, है ना, वो कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होती नहीं ना, कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जीरो है, ठीक है। यानी अब ये टी भी ले लेंगे तो भी पूरा फॉर्मल लगाएंगे तो वी का तो ई नॉट डी माइनस टी आएगा, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं, तो जीरो इंटू टी लिखेंगे प्लस करके उसका फायदा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में आपको मालूम है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ये तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो रहा है, वी सिग्मा का होता चार कोने है डी माइनस टी, अभी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, वी इधर ही रहने तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ गया डी माइनस टी, अभी देखें तो क्यू इक्वल टू सी वी है तो क्यू इक्वल टू सी वी, यानी सी कितना आ गया, सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अगर मैंने मान लिया ये तो फाइनल आंसर है, जब आपने कंडक्टिंग स्लैब डाली है, कंडक्टिंग स्लैब रिजल्ट की है, अगर डी और टी बराबर हो जाए
तो सी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इज इनफिनाइट, मतलब कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज इनफिनाइट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब देगा कंडक्टिंग स्लैब पूरी फुली इमर्स, पार्शली इमर्स का आंसर यही है, अगर फुली इमर्स करोगे तो उसका आंसर इनफिनाइट आ जाएगा, मतलब अगर आप दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब ला के रख देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी, उसका एक रीजन भी है, तो ये दोनों प्लेट्स कंटेक्ट में आ जाएंगी, देखो तो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर इसके कनेक्ट में ही आ गया तो जो चार्ज है वो सीधा का सीधा नेगेटिव प्लेट ग्राउंड होती है तो सारा का सारा ग्राउंड हो जाता है, तो जितना मर्जी चार्ज दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पोटेंशियल उधर डायरेक्ट कंटेक्ट में आ गया तो सारा का सारा चार्ज बाईपास हो जाएगा ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। तो करके ना कंडक्टिंग स्लैब कभी भी नहीं रखते, कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब कभी भी नहीं रखते, दे आर फेसिंग विच प्लेट, डायलैक्ट्रिक स्लैब, डायलैक्ट्रिक प्लेट रखेंगे, डायलैक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, मतलब हमेशा डायलैक्ट्रिक स्लैब ही पुट की जाती है कैपेसिटर के लिए। चलो इतना कर लेना, इसका नेक्स्ट में देखेंगे, ओके बाय।